नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। अयोध्या में बनकर तैयार हुए भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। इसके लिए एक सप्ताह पहले से चल रही वैदिक अनुष्ठान आज यानी शनिवार को 20 जनवरी को पांचवा दिन है। इस बीच दुनिया भर से प्रभु श्री राम के लिए उपहार आ रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान से भी उपहार शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कश्मीर, तमिलनाडु और अफगानिस्तान से मिले उपहार प्रभु श्री राम मंदिर के यजमान अनिल मिश्रा को सौंपा है। वहीं आलोक कुमार ने दावा किया है कि श्री राम मंदिर निर्माण से मुस्लिम समुदाय में भी खुशी है। उन्होंने कश्मीर से मुस्लिम भाई बहन मुझसे मिलने आए और राम मंदिर निर्माण पर खुशी जताई और कहा कि भले ही हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने जैविक रूप से उत्पादित 2 किलो शुद्ध केसर सौंपा है। क्या कुछ कहे इसको लेकर आइए आपको सुनाते हैं। मेरे पास कश्मीर के कुछ मुसलमान भाई और बहन आए थे। उन्होंने बड़ा आनंद व्यक्त किया कि यहाँ रामलला का मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा मुझे कि हमारा मजहब अलग है, पर हमारे पुरखे एक हैं और राम हमारे सबसे आदरणीय पुरखे हैं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने मुझे कश्मीर का 2 किलो केसर, जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, वो श्री रामलला की सेवा के लिए भेंट किया। इस कार्यक्रम में, इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान हैं, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को यह केसर भेंट कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से नहीं बोल रहे यार, मेरे अनुसार तमिलनाडु के दूर गांवों में रेशम बनती है और वो रेशम, ये जो चादर है, ये 10 दिन 10 लोग मिल के बना पाते हैं। इस पे उन्होंने राम मंदिर को अंकित किया है और कहा है कि ये भगवान की सेवा में लगे। ये चादर मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के द्वारा उस ट्रस्ट को और राम जी को भेंट कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जाओ यार, देख रहे हो कौन खड़े हैं, तो जबरदस्ती मत करिए। तू ऑटो जा अफगानिस्तान के बंदूक, दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में आए थे। वहाँ पर एक कुभा रिवर, कुभा नदी, ऐसा पुराना नाम है, यह अफगानिस्तान से आया था, काबुल से, और वहाँ से ब्रजेश और प्रशांत जी ने इस कुभा रिवर का जल भगवान के अभिषेक के लिए दिया। ये भी मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को के द्वारा ट्रस्ट को समर्पित कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के चौथे दिन यानी शुक्रवार को निर्धारित मुहूर्त सुबह 9 बजे वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच अरनी मंथन विधि से अग्निदेव का प्रकट कर अनुष्ठान की शुरुआत की गई। इस विधि में शमी और पीपल की लकड़ी की घर्षण से अग्नि को प्रकट किया गया। श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तिरुमाला देवस्थानम ट्रस्ट की ओर से 1 लाख का महाप्रसाद भी वितरण किया जाएगा। अब अयोध्या के लिए दशरथ दीप काफी खास माना जा रहा है। क्यों है खास, आइए आपको बताते हैं। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी का परिचायक दशरथ दीप शुक्रवार के दिन ढलते ही प्रज्वलित किया गया। तपस्वी छावनी के तुलसी बार स्थित परिसर में स्थापित इस दीप की परिधि 300 फीट है। इसमें 21,000 लीटर तेल के साथ 1.25 क्विंटल रुई की बाती का प्रयोग किया गया है। इस अवसर पर काशी के सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती सहित बड़ी संख्या में संत एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। रामलला के लिए नए विग्रह के नेत्र फिलहाल ढके हुए हैं, इन्हें 22 जनवरी को खोला जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। जय श्री राम।